अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रहमान अब्बास जी। आज ये लोकेशन आप देख रहे हैं 313 जिम में हम हैं। लास्ट इवेंट हुआ था, उसके बाद अब आया हूँ। तो वर्कआउट भी करना है, लेकिन मैं चाह रहा था एक वीडियो बनाऊँ कुछ आपको नॉलेज देने के लिए। अब वो है क्या आज के प्रोग्राम में? मेडिटेशन। मेडिटेशन है क्या? फिटनेस क्यों इम्पॉर्टेंट है? हम क्या समझते हैं कि लोग अपने माइंड में ये सोचते हैं कि ये एक फॉर्मेलिटी है, जी हमने जिम ज्वाइन कर लिया है, हमने अब बस पैसे दे दिए, ये कर लिया वो कर लिया और बस टाइम, बस आज हमने कर लिया, कल ना करें, कल करेंगे, तीन दिन के बाद नहीं करेंगे। मेडिटेशन इबादत है। इबादत का दूसरा नाम एक नॉर्मली अगर हम इसको स्टडी करें तो मेडिटेशन है। एक इबादत है, आप रूह कनेक्ट करते हो अल्लाह के साथ, आप इबादत करते हो, दुआ मांगते हो, नमाज पढ़ते हो, अल्लाह ताला के साथ हर वक्त कनेक्ट होते हो। अल्लाह कहाँ है? अंदर है। दूसरी मेडिटेशन ये है कि अल्लाह ताला ने बॉडी दी है, जिस्म दिया है, उसको आप रिपेयर करो, चेंज करो, ताकि बहुत सी बीमारियों से आप दूर हो जाओ। क्योंकि टेंशन है, डिप्रेशन है, उसमें इंसान रहते हैं, हर इंसान को होती है, मुझे भी होती है, लोगों को सुनता हूँ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो वर्कआउट बेसिकली एक इबादत है, एक मेडिटेशन है, आप खुद को रिपेयर करते हो, स्ट्रांग करते हो आने वाले वक्त के लिए, खुद को मोटिवेट करते हो, बूस्ट करते हो। तो इसलिए वर्कआउट फिटनेस बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा सा आपके जो नज़दीक है, एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर हो जहाँ कलर्स अच्छे हो, मशीन्स अच्छी हो, आप वर्कआउट करें ताकि माइंड मेडिटेशन भी हो, फिजिकली भी मेडिटेशन हो। तो इसको आप रूटीन में लेके आएँ और सच्ची में बताऊं आप चेंज होते जाओगे, क्योंकि माइंड इज एवरीथिंग, सब कुछ। जब आपका माइंड चेंज होगा सब चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। तो मेडिटेशन आज के प्रोग्राम का टॉपिक था। मेडिटेशन, मेडिटेशन दो टाइप की हैं, एक आप अल्लाह के साथ कनेक्ट करते हो, दूसरा अल्लाह ताला ने जिस्म दिया है, जान दी है, उसको आप रिपेयर करो ताकि बीमारियों से, प्रॉब्लम से हम दूर हों। ट्रस्ट मी, आप इसको करें, चेंज होता जाएगा सब कुछ। अपनी रूटीन में थोड़ी सी फिटनेस लेके आएँ, वर्कआउट करें, सब कुछ चेंज होता जाएगा। इसको आप फॉलो करें, मुझे फीडबैक दें, और हाँ स्पेशली काइंडली सब्सक्राइब, शेयर और मुझे फीडबैक लाजमी दें। अगर किसी टॉपिक पे मैं चाहता हूँ कि बातों से, चीज़ें तो हम वर्कआउट करवाते रहते हैं लेकिन बातों से मैं आपको चेंज कर सकूँ, मोटिवेट कर सकूँ, तो इसको आप फॉलो करें और मुझे फीडबैक दें। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।